हाय एवरीवन, मेरा नाम है श्वेता और स्वागत है आपका मेरे चैनल श्वेताज स्पेस में। तो कभी कभी क्या होता है ना, हम अपने घर में कुछ ऐसी चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं जिसको हम सोचते हैं कि हम इसका उपयोग बाद में करेंगे, कुछ चीज़ें बनाएंगे इससे, लेकिन वो चीज़ें जो है, वो सामान जो है वो घर में रखी रह जाती हैं। हमें कभी कभी हमें समझ में नहीं आता कि हम उन चीज़ों का उपयोग कैसे करें और फिर हम उसे फेंकना भी नहीं चाहते ये सोच के कि कभी ना कभी तो हम इसका उपयोग कर ही लेंगे। तो इनमें से कुछ चीज़ें हैं जैसे कि कोल्ड ड्रिंक की बॉटल हुई या फिर जो मिठाई के डब्बे आते हैं वो हुई। हालांकि उसका उपयोग हम लोग कर लेते हैं, कभी हम गए इधर उधर घूमने तो उस टिफिन में रख के हम सामान ले जाते हैं, बट बॉटल और उसके कैप्स ये सब चीज़ें जो है रखी रह जाती हैं, हम यूज़ नहीं कर पाते, हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, फेंकना भी नहीं चाहते हैं। तो आज मैं उसी सब चीज़ों का उपयोग करके आज कुछ DIY करूँगी। बेसिकली मैं बॉटल के कैप्स का यूज़ करके और कुछ DIY बनाने की कोशिश करूँगी। आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आएगा और यूज़फुल भी लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ इन बड़े साइज़ के कैप्स, जो पानी के बॉटल आते हैं ना बड़े वाले, ये उनके ढक्कन हैं। हमारे घर में कुछ कुछ खाने की चीज़ें आती हैं जैसे बिस्किट्स के डब्बे हुए, इस तरह के जो प्लास्टिक के डब्बे आते हैं उनके भी ढक्कन कुछ इसी साइज़ के होते हैं, तो आप इस DIY के लिए उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इन सारे कैप्स को जितने भी हैं उनको मैं कलर कर दूँगी। हाँ, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप इस पर डायरेक्ट एक्रेलिक पेंट या फेब्रिक पेंट का यूज़ करते हैं तो चूँकि इनका बेस प्लास्टिक का होता है वो उस पर टिकेंगी नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी आप पेंट यूज़ कर रहे हैं चाहे वो एक्रेलिक हो, कोशिश करें एक्रेलिक पेंट का ही यूज़ करें, एक्रेलिक हो या फेब्रिक हो, तो उसमें जो है थोड़ा सा आप टैल्कम पाउडर ऐड करके और उसको अच्छे से मिक्स कर दें और फिर इसको इस तरह से कलर करें। इससे क्या होगा ना कि इसका बेस थोड़ा थिक हो जाएगा और ये आसानी से इस पर से निकलेगी नहीं, और इसका प्लास्टिक बेस पर अच्छे से टिके रहेंगे। जब इसका बेस सूख जाएगा तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक मार्कर। आप यहाँ पे कोई सा भी टूल का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हमें यहाँ पे एक सर्कल बनानी है तो इसलिए मैंने ये बड़े साइज़ के मार्कर का यूज़ किया है और फिर रेड कलर से मैं इस पर कुछ इस तरह से फ्लावर ड्रॉ कर रही हूँ। हमें सारे ढक्कन पे जितने भी हमने कलर किए हैं उन सब पर इसी तरह से धीरे धीरे करके एक एक करके हाफ सर्कल ड्रॉ करना है। अगर आप फ्री हैंड आसानी से बना सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं, आप पेंट ब्रश का यूज़ कीजिए और फिर उससे आप इस तरह की फ्लावर बना सकते हैं। फिर मैंने लिया है एक यहाँ पर पतला कूड, जो कि मैंने पिज़्ज़ा के बॉक्स से लिया है। आप यहाँ पर किसी भी पार्सल बॉक्स के कूट का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें हम अगर डायरेक्ट उन सारे कैप्स को अगर हम एक दूसरे से जॉइंट करेंगे तो हमें सुपर ग्लू या क्या यूज़ करना पड़ेगा या फिर उसमें होल करके और फिर उसे बांधना पड़ेगा, तो जो कि काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा या फिर आपको मार्केट से जाकर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें खरीदनी पड़ेगी। तो हम यहाँ बेसिकली क्या करेंगे, इसका एक बेस बनाएंगे इस तरह से और फिर उस पर हम स्टिक कर देंगे ताकि इसका बेस मजबूत हो जाए, ताकि जितने भी कैप्स हैं वो सारे निकले नहीं हम जब इसका यूज़ करें। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ कि इस पर मैंने एक ड्रॉ कर लिया है कि हमें कहाँ कहाँ कैप्स लगाने हैं और फिर उसमें जो स्पेस बच रहे हैं मैं उसको इस तरह से कलर कर दिया है। अभी मैं इस पर फेविकॉल की हेल्प से इन सारे कैप्स को स्टिक कर दूँगी। तो अब हमें क्या करना है कि आप देख सकते हैं कि ये चिपकाने के बाद इस तरह का कुछ बन गया है। तो हमें अब जो इसके साइड्स के कूड़े हैं जो एक्स्ट्रा निकले हुए हैं उन सबको कट कर लेना है।
नेक्स्ट मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ वार्निश का। ये ऑप्शन जो है टोटली ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप यूज़ नहीं करना चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने हमेशा कहा है कि अगर आप वार्निश का यूज़ करते हैं तो आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, जो भी DIY करते हैं और उस पर जो कलर लगाते हैं वो हमेशा उसी तरह से इंटैक्ट रहेगा, कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए कि इस प्रोसेस को आप भी करें। और मैंने यहाँ पर लिटिल बर्डी के वार्निश का यूज़ किया है, इसको आप आसानी से अमेज़ॉन पर ले सकते हैं, उसके बाद हम इसको करेंगे थोड़ा और डेकोरेट। इसके लिए मैंने यहाँ साइड्स में इसके कुछ लेस लगाए हैं, कुछ मिरर से इसको मैंने डेकोरेट किया है। तो अब ये बिल्कुल रेडी है। अब आप इसको एज ए डेकोरेटिव बेस यूज़ कीजिए या फिर अपने डाइनिंग टेबल पर इस पर जूस के ग्लासेस, मग्स वगैरह रखिए, ये आप पर डिपेंड करता है। सो जो दूसरा DIY है वो बहुत ही इजी सा और बहुत ही सिंपल सा होने वाला है, जिसको आप अपने घर पे अपने बच्चों के साथ भी बैठ के बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया है, दो कैप्स लिए हैं और उसको इस तरह से येलो कलर से मैं अंदर से पेंट कर रही हूँ। फिर मैं क्या करूँगी, मैं एक ऐसे गत्ते का टुकड़ा लूँगी और इसको एक छोटे जो बॉटल्स के कैप आते हैं ना, छोटे वाले, उसका साइज़ लेकर के मैं इस तरह से साइड्स को उसको कट करूँगी। फिर मैं इस तरह के दो टुकड़े ले रही हूँ और फिर इन दोनों टुकड़ों को हम सेम तरह से कट करेंगे। और जब ये कट हो जाएंगे तो हम इन दोनों टुकड़ों को आपस में स्टिक कर देंगे। अब नेक्स्ट हम फिर से उन ढक्कन को ले रहे हैं और इसके बीच में मैं इस तरह से कुछ स्काई ब्लू कलर का डॉट्स बना रही हूँ। फिर उसके बीच में मैं रेड कलर से इस तरह से डॉट्स बनाऊंगी, ये दिखने में बिल्कुल आइस जैसे हो जाएंगे। फिर मैं गत्ते के टुकड़े को किसी भी कलर से, लाइट कलर से, डार्क कलर से, ये कलरफुल सा जो कलर का जो चॉइस है ये बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है और आराम से आप इसको चूज़ कर सकते हैं आप कौन सा कलर यूज़ करना चाहते हैं। फिर से मैं ये छोटे वाले ढक्कन में ले रही हूँ एक, और जिसमें मैं इस तरह से होल बनाऊँगी और फिर उसमें एक टूथपिक लगा कर इस तरह से कुछ इसको बना दूँगी। फिर मैंने इस छोटे वाले कैप्स के ऊपर इस तरह से फ्लावर को ड्रॉ किया है। इसमें इस प्रोजेक्ट में ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप इसमें ब्राइट कलर का यूज़ करें तो ये ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। फिर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा और डेकोरेट कर रही हूँ और छोटे छोटे मिरर्स लगा रही हूँ। आपके पास अगर पॉम्पॉम अवेलेबल हो या फिर कोई लेस अवेलेबल हो या फिर आप इसको इस तरह भी छोड़ सकते हैं या फिर आप कलर से भी इसके साइड्स के लाइन्स को ड्रॉ कर सकते हैं। और अब हम करेंगे इन सबको एक साथ असेंबल। तो यहाँ मैंने लिया है अपने वो बड़े वाले कैप्स और इसको मैं पूरा ग्लू से ही चिपका रही हूँ। इस तरह से मैं कुछ आँखों की तरह इसको बनाऊंगी। मैंने एक कैप को कुछ ऊपर थोड़ा नीचे करके कार्टून कैरेक्टर्स जैसे लगाए हैं। फिर मैं इस छोटे वाले कैप्स को एज ए सर पे जो एंटीना होते हैं ना कार्टून कैरेक्टर्स के, उस तरह से मैं इसको प्लेस कर दूंगी। अभी मैं ले रही हूँ यहाँ रेड कलर और फिर उसको उससे मैं इसके फेस को ड्रॉ करूँगी। तो लीजिए तैयार है हमारा क्यूट सा लिटिल सा DIY जो कि आपको भी बहुत पसंद आएगा, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तो एंजॉय कीजिए। सो थर्ड DIY के लिए मैं इस तरह का एक पर्पल और कैप्स ले रही हूँ। ये डिफरेंट ब्रांड के पानी बॉटल के ही कैप्स हैं। तो मैं इसको इस तरह से लूँगी और सबसे पहले मैं कट करूँगी क्योंकि इसका पर्पल कलर, इसका जो बैगनी कलर ये मुझे बहुत पसंद आ रहा है। सो मैं इसमें कलर का कोई भी ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं इसको इस तरह से कट कर लूँगी। इसके एक कैप को ही हमें इस तरह से कट करना है। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों कैप्स को हम आपस में चिपकाएंगे। मैं यहाँ पर हॉट ग्लू गन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप यहाँ पर फेविक्विक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फेविकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि फेविकॉल सूखने में थोड़ा टाइम लेता है। तो हमें अगर क्विक करना है तो हमें या तो हॉट ग्लू गन या फिर फेविक्विक का इस्तेमाल हम यहाँ पर कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट यहाँ पर आप जूट रोप लें या फिर आपके पास जो ऊन अवेलेबल हो, कोई सा भी जो बचे हुए होते हैं ना, तो उन सब चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इस तरह से इसको और ऊन को जो है इस तरह से स्टिक कर दूंगी इन दोनों कैप्स के अराउंड।
अब उसके बाद हम इसको करते हैं थोड़ा डेकोरेट। मैं यहाँ पर मिरर्स का यूज़ कर रही हूँ और फिर मोतियों का यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ मोती हो तो मोती का यूज़ कर सकते हैं। कलर कॉन्ट्रास्ट आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कलर्स यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप सेम मेरी तरह से बना रहे हैं तो इस तरह से गोल्डन येलो के साथ गोल्डन, या फिर कोई सा भी कलर आप चूज़ कर सकते हैं, लाइट एंड ब्राउन का शेड ऐसे ऐसे लेकर आप अपने DIY को खूबसूरत बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ 3 डिफरेंट कलर के ऊन से इन कैप्स को डेकोरेट किया है। अभी नेक्स्ट मैं ले रही हूँ इस तरह के पतले गत्ते का टुकड़ा, जिसको मैं एक दूसरे के ऊपर स्टिक कर दूंगी। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर लूंगी ऊन और इससे मैं इसके साइड्स को कवर कर दूंगी। तो लीजिए, रेडी है हमारा एक डेकोरेटिव पीस। आप इसको अपने मिरर के पास रखिए, या सेंटर टेबल पे रखिए, या साइड टेबल पे रखिए। सो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप कोई सा भी DIY इसमें से रिक्रिएट करते हैं तो मुझे अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइए कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।